शादाब खान साहब के साथ मेरे भाई के साथ चादर पोशी करने आया हूँ और मुल्क के अंदर अमन अमान की दुआ करने आया हूँ। तो मेरी हमेशा से तमन्ना थी कि मैं हज़रत साबिर पाक की दरगाह पर आऊँ और माशाल्लाह इतना अच्छा इस्तकबाल किया हमारे शादाब भाई ने, तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो मेरी दिली तमन्ना आज पूरी हो रही है कि मैं आज चादर पोशी करने यहाँ पर आया हूँ। तो मैं अपने आप को बहुत ब्लेस फील कर रहा हूँ। माशाल्लाह आज साबिर पाक का बुलावा आया तो इसलिए आज मैं शादाब भाई के साथ दरगाह पर आया हूँ चादर पोशी के। सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड इंडियन आइडल ने जो मकाम हमको दिया है उसका मैं बहुत बहुत हमेशा से शुक्रगुजार हूँ, बिकॉज़ आज इतने लोगों का प्यार हमारे साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। तो मैं सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोग यहाँ मेरे लिए आए हो, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का एंड लव यू अलॉट। बस ऐसे ही आप मोहम्मद दानिश को प्यार करते रहें, इंशाल्लाह आपको अच्छा अच्छा म्यूज़िक मुझसे हमेशा सुनने को मिलता है। अभी ड्रीम तो सारे माशाल्लाह पूरे होते जा रहे हैं, अभी गाना आने वाला है मेरा, तो उसके बाद कुछ गाने आपको फिल्मों में सुनने को मिलेंगे अभी बहुत जल्दी आपको। तो अभी मेरे दो गाने आए हैं हिमेश जी के साथ जो कि बहुत चले हैं, जिनको इतना प्यार दिया पब्लिक ने, एक तो दगा गाना और एक लगन लागी जो अभी रिलीज़ हुआ है 5 दिन पहले, तो उसको भी पब्लिक इतना प्यार दे रही है। तो ऐसे ही आपको आगे और न्यू बहुत सारे प्रोजेक्ट सुनने को मिलते रहेंगे।